गुड मॉर्निंग क्लासेट्स, आज मैं आपके साथ इंग्लिश के लेक्चर सिलसिले में बात करूंगा। पता है आपको कोरोना वायरस की वजह से आपको छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो और हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक अपनी स्टडी को जारी कर सकें। इसलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट 15 डेज का जो काम है उसके बारे में कुछ हिदायत देने वाला हूँ। बहुत सा काम उसमें से हम कर चुके हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक था, सबसे पहला टॉपिक हमने किया था कि यूज ऑफ इज आर एम वाज बट हैड और हैव के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है फ्री सेंटेंस में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलों को बयान करने के लिए। अब उसमें से हम अपने लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर इज आर एम वाज बट हैज और हैव के यूजेस को सीख चुके हैं। पीछे वाला कंसेप्ट रह गया हैड के इस्तेमाल का, ठीक है जी। अब मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि इज आर एम ये प्रेजेंट टेंस के जुमलों के अंदर इस्तेमाल होते हैं फ्री सेंटेंस के अंदर बेसिकली, जिसमें आप अपनी फंक्शन को बताते हैं। वाज और वर जो था वो पास के लिए इस्तेमाल होता था, माजी में किए गए कामों को इजहार करने के लिए आप यूज करते थे। हैव हैज और हैड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जब आपको बताना होता है कि कोई चीज़ आपकी मलकियत में है तो आप हैज हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। हैज और हैव प्रेजेंट मूड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि चीज़ आपके पास है, जबकि हैड का इस्तेमाल जो है ये माजी के पोजेशन के लिए होता है, यानी जब आपने ये बताना हो कि कोई चीज़ आपकी मलकियत रही है गुजरे हुए ज़माने में तो आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, मेरे पास एक कार थी। इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए आप हैड का यूज करेंगे, इसमें आप कहेंगे आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। तो हमने देखा कि हमने कार की मलकियत को जाहिर करने के लिए माजी में हैड का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है आपको हैड का ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा और आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जाहिर है हमारे पास ग्रामर कंपोजिशन की बुक है, जिसके अंदर हमें 6 एक्सरसाइज दी गई हैं, जिन 6 एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। अब वो जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपके पास पेज नंबर 71 से लेकर 73 तक मौजूद हैं। आपने इन छुट्टियों के अंदर इन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के साथ साथ आपने उनकी पिक्स लेकर हमें ग्रुप में शेयर कर देनी है, ताकि हम उसको चेक कर सकें और आपको रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है जी। इसके अलावा अगला हमारा कंसेप्ट है कंप्रीहेंशन का, ठीक है जी। ये कंप्रीहेंशन पेज नंबर 32 पर मौजूद है। इस कंप्रीहेंशन में आपको पता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, आपको उसे पढ़ना होता है और उसको अंडरस्टैंड करके उसके नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने होते हैं। ये एक सॉल्व एग्जाम्पल है जो पेज नंबर 32 पर मौजूद है। आप उस वहाँ से एक सेक्शन को पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए सवाल के जवाब जो है वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक तो एक्सरसाइज हो गई आपके लिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आपको बता दिया कि आपने 6 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है, जिनमें ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और उन सबको हमारे साथ शेयर करना है। थैंक यू जी।